के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मोबाइल पशु चिकित्सा एम्बुलेंस सेवाओं का प्रचार करने की आवश्यकता पर दिया बल। केंद्रीय मंत्री ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के महत्व पर भी डाला प्रकाश। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारिणी समिति की 40वीं बैठक में किए गए कई अहम फैसले। गंगा बेसिन में सीवरेज की बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बदलेगी सीवरेज की बुनियादी ढांचे की तस्वीर। दिल्ली एनसीआर में प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी की ओर से दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा। अब लोगों को 1 लीटर फुल क्रीम दाम के लिए चुकाने होंगे 64 की जगह 66 रुपए। मदर डेयरी के अनुसार कच्चे दूध की खरीद कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में हुआ लगभग 24% का इजाफा। रन बढ़ने से किसानों के चेहरे खिले। रबी सीजन की फसल विशेषकर गेहूं के लिए लाभकारी होती है अधिक ठंड। तापमान अधिक रहने के कारण कुछ किसानों की आलू की फसल अंकुरित होने के बाद भी हो रही थी खराब। चना, गेहूं, मटर, आलू, टमाटर आदि की फसल को इस सर्दी में होगा फायदा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य पालन क्षेत्र को व्यापक बनाया है। आज इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मोदी जी की सरकार जो है उनकी प्रायोरिटी क्या है और इसी के चलते उन्होंने इनको स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया और मंत्रालय का दर्जा देने के बाद पूरे मत्स्य पालन क्षेत्र को, मतलब उसके सामाजिक जीवन को, उनके व्यावसायिक जीवन को, उनके कारोबार को, सभी को इकट्ठा देखते हुए इस क्षेत्र को बहुत बड़ा बजट देने का भी प्रावधान हमारे प्रधानमंत्री जी ने नए विभाग के तौर पे दिया। स्वतंत्र विभाग मत्स्य पालन बनने के बाद इससे पूर्व में क्या स्थिति थी हमारे देश में? आजादी के समय काल से अगर आप आकलन करें तो 50-51 के दशक में जब देश की स्वतंत्र सरकार काम शुरू कर दिया तो 2 लाख टन जितना अपना इनलैंड फिशरी प्रोडक्शन था देश का। वहीं से चलते चलते प्रधानमंत्री जी मोदी जी के कालखंड तक 14 तक आते आते वो 2 लाख टन से बढ़कर 61 लाख टन जितना हो गया। पुरुषोत्तम रूपाला ने आगे कहा कि मत्स्य पालन क्षेत्र में विगत 8 वर्षों में आए सकारात्मक परिवर्तन के बाद मत्स्य निर्यात में तेज उछाल दर्ज किया गया है और ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के प्रयासों की वजह से हम 8 साल में ही 121 लाख टन पर पहुंचे और इसी को आप ये कह सकते हैं कि यदि सरकार की नेतृत्व में सही दिशा से काम करने की राज की इच्छा शक्ति हो तो इस क्षेत्र को कितना बड़ा संबल मिल सकता है और हमारे सामाजिक जीवन को कितना बड़ा बल मिल सकता है, इनका ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अभी आपको हमारे इस क्षेत्र को स्वतंत्र विभाग देने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि 14 तक भारत सरकार की ओर से इसमें बहुत छोटी राशि का योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी ने मत्स्य संपदा योजना करके एक योजना लागू किया और नीली क्रांति का आह्वान किया। जैसे हमारे यहाँ हरित क्रांति है, हमारे यहाँ व्हाइट रिवॉल्यूशन है, ऐसे ही इसी क्षेत्र को भी ब्लू रिवॉल्यूशन के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने इसका नेतृत्व करने के लिए आह्वान किया और
एक ही योजना से 20,000 करोड़ की राशि इस विभाग के लिए नहीं आता है और पिछले 60 साल में जितना खर्चा नहीं हुआ इससे कई ज्यादा खर्चा ये 8 साल के अंदर इसी विभाग के तहत प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। ये सारा काम करने के वजह से इस पूरे कोस्टल एरिया को डेवलप करने के लिए और हमारे फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम लागू किए इसके चलते आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोर्ट इसी विभाग के जरिए हो रहा है। और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारिणी समिति की 46वीं बैठक एनएमसीजी के महानिदेशक श्री जी अशोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई उनमें से 2700 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की 12 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सीवरेज के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। उत्तराखंड और बिहार के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 42.80 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वन रोपण कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के दृष्टिकोण के साथ जलवायु के प्रति लचीले और टिकाऊ पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन के लिए एक सक्षम वातावरण का निर्माण करना है। एनएमसीजी के महानिदेशक ने एनएमसीजी की कार्यकारिणी समिति की 46वीं बैठक की अध्यक्षता की। गंगा की सहायक नदियों पर विशेष ध्यान देते हुए लगभग 2700 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 3 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है जिनमें से 475.19 करोड़ रुपए की लागत वाली एक परियोजना प्रयागराज में सीवरेज के बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित है। बिहार में दाऊदनगर और मोतिहारी कस्बों के लिए 42.25 और 149.15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक एक परियोजना को मंजूरी दी गई है। पश्चिम बंगाल में आदि गंगा नदी के संरक्षण के लिए 653.67 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड और बिहार के लिए वर्ष 2022-23 हेतु वन रोपण कार्यक्रम को भी मंजूरी दी गई है। पांचों राज्यों के लिए गंगा नदी के तटों के निकट उनके संरक्षण और क्षेत्र के आर्थिक विकास के साथ साथ लोकवानस्पतिक उद्देश्य के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से पुष्प विविधता का वैज्ञानिक अन्वेषण नामक परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। और दिल्ली एनसीआर में दूध मंगलवार से महंगा हो गया है। प्रमुख डेयरी कंपनी मदर डेयरी की ओर से दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा कर दिया गया है। इसके बाद अब लोगों को 1 लीटर फुल क्रीम दाम के लिए 64 रुपए की जगह 66 रुपए चुकाने होंगे। इसके साथ टोन दूध की कीमत 51 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 53 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। डबल टोन दूध की कीमत 45 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 47 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। हालांकि कंपनी ने गाय के दूध और टोकन दूध के सभी प्रकारों की कीमतें नहीं बढ़ाकर लोगों को राहत दी है। दूध के दामों में बढ़ोतरी के बाद मदर डेयरी की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि ये पूरा वर्ष डेयरी उद्योग के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इस साल दूध और दूध उत्पादों की मांग में इजाफा देखने को मिला है। दूसरी तरफ दिवाली के बाद उम्मीद के मुताबिक दूध की खरीद में बढ़ोतरी नहीं हुई है। वहीं कच्चे दूध की खरीद कीमतों में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 24% का इजाफा हुआ है। मदर डेयरी की ओर से इस साल की गई ये 5वीं बढ़ोतरी है। कंपनी ने इससे पहले नवंबर, अक्टूबर, अगस्त और मार्च में कीमतों में बढ़ोतरी की थी। दिल्ली एनसीआर के अलावा देश के अन्य भागों में भी दूध की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में दूध वितरण करने वाली प्रमुख कंपनी सांची ने 25 दिसंबर को दूध की कीमतों में इजाफा किया था, जिसके बाद अन्य ब्रांड सौरभ और श्रीधि ने सोमवार को दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दोनों कंपनियों ने 2-2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। सौरभ के नए दाम सोमवार से जबकि श्रीधि के दाम मंगलवार से लागू हो गए हैं। और दिसंबर माह में सर्दी बढ़ना रबी सीजन की फसल के लिए लाभकारी माना जा रहा है, विशेषकर गेहूं फसल के लिए। मौसम में आए बदलाव से किसान राहत महसूस कर रहे हैं। सुबह और शाम ओस गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रात के तापमान में आई गिरावट से सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। कृषि के जानकारों का कहना है कि अगर सर्दी के साथ कोहरा भी बढ़ता है तो ये सरसों की फसल के लिए नुकसानदायक हो सकता है।
कोहरा छाने से रात और सुबह के तापमान में गिरावट आती है, इससे रबी फसल की दर बढ़ती है। इसके पूर्व दिन व रात के तापमान में मामूली अंतर रहने से लगाई जा रही फसल का सही अंकुरण नहीं हो पा रहा था। तापमान अधिक रहने के कारण कुछ किसानों की आलू की फसल अंकुरण आने के बाद भी खराब हो रही थी। कोहरा छाने से रात व सुबह का तापमान गिरने से फसल का अंकुरित होना अच्छा होगा, जिसका लाभ किसान को मिलेगा। दिन का तापमान लगभग अनुकूल रहने से किसी प्रकार के नुकसान की कोई संभावना नहीं है। कृषकों का कहना है कि इस तरह का मौसम इस समय खेती किसानों के लिए फायदेमंद होता है, खासकर चना, गेहूं, मटर, आलू, टमाटर आदि की फसल को इस सर्दी से फायदा होगा। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में मंगलवार की सुबह भी घना कोहरा छाया रहा। घने कोहरे के कारण शहर के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी काफी कम रही, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तर पश्चिम में मैदानों को पार कर आने वाली हवाओं की वजह से तापमान में गिरावट आने से गलन बढ़ी है और कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर कोहरे की वजह से कम विजिबिलिटी के कारण सड़कों पर धीमी रफ्तार में गाड़ियां चलती हुई दिखाई दी। बर्फीली हवाओं से कानपुर समेत आसपास के जिलों में ठंड बढ़ती जा रही है। शीतलहर के साथ पड़ रही कड़ाके की ठंड से कपकपी भी बढ़ गई है। शहर के कई इलाकों में घने कोहरे की स्थिति देखने को मिल रही है। घने कोहरे की वजह से दृश्यता के स्तर में भी काफी कमी आई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में शीतलहर का प्रकोप बरकरार है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। ठंड और ठिठुरन के कारण आम जनजीवन प्रभावित है। गलन भरी सर्दी से लोगों के घर से निकलना मुश्किल हो गया है। सर्दी और कोहरे के चलते ज्यादातर स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं कोहरे के कारण वाहन चालकों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी अगले कुछ दिनों तक ठंड का कहर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में शीतलहर से ठिठुरन काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और ठंडी हवाओं ने बरेली में गलन बढ़ा दी है। पूरा शहर कोहरे की चादर से ढक गया है। बरेली में ठंड बढ़ने के बाद रेन बसेरों में लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। लगातार गिरते पारे के कारण लोगों को आग जलाकर और रेन बसेरों के सहारे रात गुजारनी पड़ रही है। ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बरेली के जिला अधिकारी शिवकांत द्विवेदी ने रेन बसेरों में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सर्द रातों में सड़क किनारे रहने को मजबूर लोगों को कंबल भी वितरित किए। हिमाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सोमवार को लाहौल और स्पीति जिले के शिंकुला दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई। इसके साथ ही ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ना शुरू हो गया है। बर्फबारी शुरू होते ही लाहौल स्पीति प्रशासन ने घाटी पहुंचे पर्यटकों को मनाली की ओर रवाना करना शुरू किया, जिसके कारण मार्ग में कई जगहों पर जाम के हालात देखने को मिले। मौसम विभाग की ओर से 25 और 26 दिसंबर को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की गई थी। हालांकि 25 दिसंबर को बर्फबारी देखने को नहीं मिली, लेकिन 26 दिसंबर को बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। कृषि प्रधान देश के साथ साथ दुग्ध उत्पादन में भी अग्रणी बनने के लिए अब सरकार के साथ साथ गैर सरकारी संस्थाएं भी भरसक प्रयास कर रही हैं। इसी दिशा में अब महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी ने, जिसने अब अमेरिका की evers.al नामक एक कंपनी के साथ समझौता किया है। दिलचस्प बात यह है कि समझौते से जानवरों के बीमार होने की जानकारी एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलेगी, जिससे सही समय पर दुधारू पशु की समय रहते चिकित्सा की जा सकेगी। यानी इस समझौते से अब स्वदेश में दुधारू पशुओं की देखभाल से दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में नंबर वन है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादकता की बात करें तो अभी हम बहुत पीछे हैं। और इसका कारण है लोगों का दुग्ध उत्पादन की तकनीक में पारंगत ना होना। लेकिन अब स्थिति बदल रही है। डेयरी फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपना रहे हैं और इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए IDMC यानी के NDDB की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी ने अमेरिका की evers.ai नामक कंपनी के साथ समझौता किया है,
जो कृषि प्रबंधन के लिए मशीन लर्निंग और IoT आधारित समाधान प्रदान करेगा। दरअसल ये डेयरी फार्म के पशुओं की निगरानी के लिए सेंसर आधारित प्रबंधन प्रणाली होती है। इस प्रणाली ने बड़े फार्मों के प्रबंधन और स्वचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन निगरानी प्रणालियों में एक सेंसर युक्त कॉलर होता है जो गाय की गर्दन पर लगाया जाता है। इसके जरिए पशुओं की जुगाली और शरीर के तापमान सहित गाय की दूसरी गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। पशु इन सेंसर युक्त कॉलर के माध्यम से एक एंटीने से जुड़ते हैं, जिससे एक सॉफ्टवेयर के जरिए पशुओं की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। हम NDDB में एक कनेक्टेड काउस के कंसेप्ट से काम करते हैं और ये एक सेंसर बेस्ड काउ मॉनिटरिंग सिस्टम है जो AI और IoT बेस्ड है। जनरली हमने देखा है कि ये ऐसे सेंसर बेस्ड काउ मॉनिटरिंग सिस्टम्स जो डेयरिंग डेवलप्ड नेशन है वहाँ पे पिछले 25-30 साल से यूज हो रहे हैं। वहाँ पे ये इसका रोल इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरा जो लार्ज डेयरी फार्म्स होते हैं उनके पास 1,000-5,000 पशु रहते हैं, तो उसको वो ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग करने के लिए काम आते हैं। हमारे यहाँ जो अभी तक का जो स्मॉल होल्डर डेयरी फार्मिंग सिस्टम है, 2-3 गाय या 2-3 भैंस रखने वाले सिस्टम में अभी तक इसका एक लार्ज स्केल में यूज नहीं हो रहा था। ये सिस्टम में ये एक सेंसर माउंटेड कॉलर होता है जो पशु के नेक पे लगाया जाता है, वो उसकी जो वेरियस मूवमेंट्स होती हैं पशु की वो उसको ट्रैक करता है। इस प्रणाली के द्वारा पशुओं के मालिक को पशुओं की गर्मी में आने की सटीक जानकारी मिलती है, साथ ही साथ पशुओं के बीमार होने की स्थिति की जानकारी भी मिल जाती है, जिससे इनके प्रजनन और प्रबंधन में मदद होती है। जो कॉलर बेस्ड सेंसर जो है वो एक एंटीना के थ्रू एक एप्लीकेशन पूरा जो डेवलप किया हुआ है उसके साथ कनेक्टेड रहता है, तो सारे ही जो एक इंडिविजुअल पशु है जो है उसकी सारी मूवमेंट सारा ही डेटा वो सिस्टम में कैप्चर हो जाता है, जिससे आपको एक एक्यूरेट डेटा मिलता है। उसका अगर टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है आपको मालूम पड़ जाता है, उसका अगर कोई मूवमेंट में इश्यू है जिससे आप ट्रैक करके पता लगा सकते हैं कि आगे जाके पशु बीमार होने वाला है कि नहीं, वो मालूम पड़ जाता है। भारत में ऐसी प्रणालियां मुख्य रूप से उच्च लागत के कारण और छोटे पशुपालक और कम पशु धारकों की पहुंच से बाहर रही हैं। इस तरह की प्रणालियों की उपयोगिता की जरूरत को महसूस करते हुए NDDB ने विशेष रूप से देशी पशुओं के लिए ऐसी स्वचालित निगरानी प्रणाली का विकास करना शुरू किया, जिससे विशेष रूप से पशुओं के गर्मी में आने का पता लगाया जा सकेगा और समय पर कृत्रिम गर्भाधान की सफलता दर में वृद्धि की जा सकेगी। इससे बीमार पशुओं की पहचान करने में मदद भी मिलेगी। NDDB द्वारा विकसित लोरावन तकनीक लगभग 10 किलोमीटर के दायरे की लंबी रेंज प्रदान करती है और 1,000 पशुओं को इस तकनीक द्वारा एक गेटवे के माध्यम से जोड़ा जा सकता है, जिसकी लागत लगभग 50,000 रुपए है। केवल 50,000 रुपए की लागत से पूरे गांव के पशुओं को इस प्रणाली के साथ जोड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में पशुपालकों के लिए ये प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो सोमवार को अधिकांश मंडियों में सरसों के सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ।
एग्वाकनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सरसों के भाव में कुल मिलाकर नरमी रही। यहां 24 दिसंबर को सरसों का भाव था 6,550 रुपए, 26 दिसंबर को इसके सौदे 130 रुपए लुढ़क कर 6,420 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं राज्य की अलीगढ़ मंडी में 24 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 6,450 रुपए, 26 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव रह गया 6,400 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में 24 दिसंबर को सरसों का भाव रहा 6,250 रुपए, 26 दिसंबर को इसमें 70 रुपए का उछाल आया और भाव 6,320 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों के सौदे स्थिरता के साथ हुए। यहां दोनों दिन यानी 24 और 26 दिसंबर को सरसों का भाव 5,650 रुपए क्विंटल रहा। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी सरसों की बुआई 70,89,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 61,96,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,93,000 हेक्टेयर ज्यादा हुई है। सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ और बदायूं मंडी में बाजरे की खरीद स्थिर भाव पर हुई, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे कमजोरी के साथ हुए। गुजरात की राजकोट मंडी में बाजरे का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहां 24 और 26 दिसंबर को बाजरे का भाव 1,750 रुपए पर टिका रहा। इसी तरह उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भी बाजरे की खरीद स्थिरता के साथ हुई। यहां बीते दो दिन यानी 24 और 26 दिसंबर को बाजरे का भाव 2,350 रुपए क्विंटल रहा। वहीं राज्य की ही बदायूं मंडी में भी दोनों दिन यानी 24 और 26 दिसंबर को बाजरा बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,970 रुपए क्विंटल पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में 24 दिसंबर को बाजरे का भाव रहा 2,160 रुपए, जो कि 26 दिसंबर को 110 रुपए की कमी के बाद 2,050 रुपए रह गया। मोटे अनाज में शामिल बाजरे की बुआई इस रबी सीजन में बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी बाजरे की बुआई 12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 13,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी बाजरे की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,000 हेक्टेयर पीछे है। और आइए अब जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई करें, गेहूं के खेत में सिंचाई करते रहें, गेहूं के खेत में निराई भी कर सकते हैं, साथ ही सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। सरसों के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, यहां गोभी के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा चने के खेत में निराई करने का सही समय है। किसान मटर के खेत में निराई करते रहें, मटर के खेत से पानी की निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लहसुन की रुपाई कर ले, किसान प्याज के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, वहीं प्याज की रुपाई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में सिंचाई कर ले, गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें, किसान आलू के खेत में जरूरी उर्वरक डाले, वहीं गन्ने के खेत में सिंचाई कर सकते हैं, गन्ने के खेत में निराई और गुड़ाई भी करें, गन्ने की कटाई करते रहें। इसके साथ ही अरहर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें, अरहर के खेत में सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड में तिल के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान काबुली चने की बुआई कर ले, काबुली चने के खेत में निराई और गुड़ाई करने का समय उपयुक्त है, साथ ही गाजर के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग करे। उत्तराखंड में गाजर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखे। समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं।
अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में देश के विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि कोविड-19 से जुड़ी किसी भी घटना से निपटने के लिए उनकी तैयारी सुनिश्चित की जा सके। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जाकर मॉक ड्रिल का जायजा लिया। कोलकाता के अस्पतालों में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बेलियाघाटा, आईटी और बीज अस्पताल में मॉक ड्रिल आयोजित किया, जहां कोरोना महामारी से बचाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम ए सुब्रमण्यम ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने दौरे में अस्पताल प्रशासन के साथ तैयारियों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। भारत सरकार के निर्देश अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को कोविड तैयारियों की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक बीएमसी ने कोरोना से निपटने के लिए कमर कस ली है। माता वैष्णो देवी दरबार में 31 दिसंबर व 1 जनवरी को होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ से निपटने के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन लगातार उपाय कर रहा है। इन इंतजामों को परखने के लिए लगातार बैठकें भी की जा रही हैं। पेमेंट फ्रॉड के मामले में लड़ने के लिए आरबीआई ने कमर कस ली है। रिजर्व बैंक इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए दक्ष नामक पोर्टल लाने की तैयारी कर रहा है। रॉबर्ट वाड्रा को लेकर एक बार फिर से भाजपा जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी किसानों की जमीन हड़पी गई। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी एनटीपीसी ने इटली स्थित मेयर टेक्निमोंड समूह की भारतीय सहायक कंपनी टेक्निमोंड प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक गैर बाध्यकारी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य भारत में एनटीपीसी की परियोजना में वाणिज्यिक पैमाने पर हरित मैथनॉल उत्पादन की सुविधा विकसित करने की संभावना का संयुक्त रूप से मूल्यांकन करना और पता लगाना है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।